धना के व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्यार. आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट. बदल गई है भाई, हाई क्लास कीनिया हो चुकी हैं. मांगने वालों की भी काफी ये मतलब डिटेल्स हैं, जो उनकी आइडेंटिटी भी बदल गई है, उनके अंदाज बदल गए हैं. सो बहरहाल मैं आपकी एक फकीनी से मुलाकात करवा रही हूँ. तशरीफ लाती है फकीनी. रासिद दी तरह वजीर नहीं कह सकती, मैंने फकीर नहीं कह दिया. अच्छा वजीरनी का क्या क्या मतलब? आप कोई वजीर तो नहीं है? मतलब काम तो एक है ना, वजीर खजाना बाहर के मुल्क से जाके मांगे हैं, उसको तो बड़ी इज्जत दे रहे हो तुम लोग. अच्छा अच्छा, तो भाई आप ये बताएं कि आप भीख क्यों मांगती हैं? अच्छा लगता है मन्ने मांगना, आदत है मेरी, अयाशी करनी होवे है ना. वैसे कोई अच्छी बात नहीं है. अच्छा मन्ने बता रही है, उन गीदड़ा को बताना है. गीदड़ा कौन? अरे लीडरों को बतान का कह रही हूँ, बड़ी भोली बने हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, खानदान में और कौन कौन भीख मांगता है? मेरी खाला का लड़का है. खाला का लड़का अभी पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर ने अपनी मशीना में देख के बताया कि आपके घर में एक और फकीर पैदा होने वाला है. ओफो, तो इसका मतलब है कि सारा खानदान भीख ही मांगता है. हैरत है वैसे. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा सारा खानदान और पाकिस्तान एक ही लाइन पे चल रहा है. पक्के पक्के पाकिस्तानी हैं हम. कब छोड़ेंगी आप ये काम? भाई जब ये मुल्क सुधर जाएगा, इसके लोग भी सुधर जाएंगे, जुगाड़ दो नंबरी बगैरती खत्म हो जाएगी तब. ये तो बड़ी मुश्किल फरमाइश कर दी आपने. और चल तू और कोई फरमाइश बता, गाना सुनाऊं तुझे डांस करके. रुक जा, ऐसे ना करें. क्या कर रही है आप? देखिए मौजूद लोग बैठे यहाँ पे शुरफा के सामने. अरे चुप कर जा, शुरफा लोग सबसे प्यारी भीख देवे हैं, मुट्ठी में नोट दबा कर कोणी तक पहुंच जावे हैं. यहाँ वैसे ऐसे लोग नहीं है. हाँ पाकिस्तान से यहाँ आके सारे सिद्धे हो गए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर पे सारा काम हो गया है. अच्छा चलिए बताएं, आपकी शादी हो गई क्या? हाँ रिश्ते तो बहुत आवे हैं, पर सब जाहिल अनपढ़ दफा. अरे ऐसी बातें तो पढ़ी लिखी लड़कियां करती हैं. हाँ तो क्या है, कंप्यूटर साइंस में बीएस कर रखा है मन्ने. अरे बीएससी किया है तो फायदा क्या? फायदा इतनी तालीम का, नौकरी तो मिलती नहीं, ज्यादा से ज्यादा वजीर बन जाती, सर पे दुपट्टा रख के शरीफा बीबी बन के मक्कर फरेब, हमसे नहीं होंदा. अच्छा चले, मुझे लगता है आपको वजीर और फकीर का मतलब फर्क नहीं पता. अल्लाह की बंदी, फिर वही रट. वजीर तो आवाम से बिल मांगे हैं, वोट मांगे हैं, दूसरे मुल्क से कर्जा मांगे हैं, और फकीर क्या करे? अरे मैं तो अपनों के सामने मांगू ना. अरे सारा दिन धूप में बारिश में खड़ी हो ना, तो तन्ने पता चले कि कितनी मेहनत का काम है. और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को इतना कुछ दिया है, दो हाथ भी तो दिए ना फैलाने को. अच्छा ये बताएं कितना कमा लेती हैं आप? काफी कमा लूं. फिर भी कितना बताइए? इतना कमा लूं कि जब बंक जाऊं ना, तो बंक का मैनेजर बाहर मेरी पराडो तक मने छोड़ने आवे है. अच्छा तो फिर तो आप अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगी. हाँ बस पिछले दिनों से कुछ परेशान चल रही हूँ, डॉलर बात ही नहीं सुनता, ऊपर नू जाए जा रहा है, मेरा रुपया धड़ाम से नीचे गिर गया. अच्छा तो क्या डॉलर के हिसाब से चल रही है आपकी लाइफ, कि कुछ थे आपके पास? हाँ पहले थे, फिर गलती से बेच दिए, अब हाथ मल रही हूँ तो मैल ही निकल रहा है 5,000 के नोट की तरह. अच्छा तो कितने डॉलर थे भाई आपके पास? हाय अब होंदे ना तो घर खरीद लेती मुर्तसिम वाला. अरे तेरे बिन में जो था ना, आज नगोड़ी मीरब की जगह मैं होती. अच्छा मगर इतने सारे डॉलर थे आपके पास, मगर बता नहीं रही कि कितने थे. अरे थे कोई 2.5-3 किलो. हैं क्या तो क्यों बेचे 2-2.5 किलो? हाय बस उसके कहने पे बेच दिए पाकिस्तान की खातर. हमारा खजाना खाली हो रहा था ना, वो कह रहा था नवा पाकिस्तान बनाएंगे. अरे किसके कहने पर? अरे वो ही कैदी नंबर 404. सलमान और कासम का अबू. हम तो डूबे हैं सनम, तुम का भी ले डूबेंगे.
अच्छा ये बताएं गाड़ी के शीशे पर हाथ क्यों मारती हैं भीख मांगने के लिए? मारती हूँ बिल्कुल मारती हूँ, क्योंकि गाड़ी का शीशा बंद हुए है, जो खुला होता ना तो गाड़ी वाले के मुंह पर थप्पड़ मार दूं। और चाहे फकीर नहीं हो, घूरने का बहुत शौक हुए है भाई, हरी बत्ती भी हो जावे ना, खड़े है टिकटिकी लगा के, जाने के नहीं है। अच्छा आज तक सबसे ज्यादा भीख आपको किसने दिए? हाँ एक ने किया था मेरे साथ गोल्डन हैंडशेक। हैं गोल्डन हैंडशेक? हाँ मैं चौक में खड़ी थी, मेरे पास आया और कहने लगा मेरे साथ मेरे घर चलेगी। मन ने पूछा क्यों, क्या घर वाली नहीं है घर में? तो बोला मेरे दो घर हैं, एक घर खाली। मन ने लात मारी जाग रहा, अगले सनीचर दूसरे चौक पर खड़ी थी, फिर आया तो लंबी सी गाड़ी में हुए और साथ में मोटी सी बीवी। मैं पास गई तो घबर गया, मेरे मुंह में 5,000 के नोट ठूसने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 50,000 हुए तो बीवी ने कहा खैर है, इतनी खरात क्यों दे रहे हो? कहने लगा बेचारी गरीब है, इसको सदका दे रहा हूँ, इमरान खान पे आई बला टल जाएगी। इस पे बीवी बड़ी खुश हुई। अच्छा तो ये गोल्डन हैंडशेक था, बीवी ने कुछ कहा नहीं वैसे? लो बीवी तो खुद इमरान खान के नाम पर बल खा रही थी, उसने तो अलग से 50,000 हाथ में पकड़ा दिए चुपके से। अच्छा वैसे यूं आप सड़कों पर अकेली मारी मारी फिरती हैं, डर नहीं लगता आपको? डर क्या, वो तो निकाल दिया पाकिस्तानी सियासतदानों ने। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जावेगी और क्या होगा। और डरे तो वो डरे गरीब आवाम, हम तो अमीर फकीर हैं भाई, खुल पैसा खिलाएंगे काम हो जाएगा, पैसा फेंक तमाशा देख। थैंक यू।